एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अन्नपूर्णा रसोई ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में मैं कुछ बहुत ही यूनिक से हैक्स बताने वाली हूँ जो आप अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में यूज कर सकते हैं और काफ़ी सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। किस तरीके से क्या है सब कुछ, चलिए आइए वीडियो में देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा किचन को लेकर हैक्स है, तो मैं यहाँ पर पन्नी, मतलब जो किचन की होती है, उसको यूज़ करूँगी। कैसे से पहले सिचुएशन बता देती हूँ कि किस तरीके से यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए, जब कभी हम, मतलब जब कभी क्या, हम हमेशा ही बर्तन तो धोते ही हैं सिंक के आगे खड़े होकर, तो टैप से जो पानी आता है वो हमारे कपड़ों के ऊपर गिर जाता है, जिसके लिए हम एप्रन वगैरह पहनते हैं। लेकिन कई बार कुछ लोग, मतलब एप्रन नहीं होता है या फिर जल्दी में प्रेफर नहीं करते हैं, तो आप उस टाइम पे, अगर आपके पास नहीं है, तो आप एक फटाफट से जुगाड़ बना सकते हैं। कुछ इस तरीके से अपने आटे का एक पैकेट लीजिए, जो भी हो, आटे का, दाल का, चावल का, जिस किसी का भी पैकेट हो, कुछ बड़ा सा हो, और या कोई सिंपल सी पॉली भी आप ले सकते हैं, ट्रांसपेरेंट जो पॉली आती है उसे भी ले सकते हैं। बस उसको इस तरीके से लंबाई में आपकी, मतलब टमी से लेके, ब्रेस्ट के नीचे से लेके और थोड़ा आपके टमी से नीचे तक, इतनी बड़ा टुकड़ा आपके पास पन्नी का होना चाहिए। मेरे पास ये है, तो मैं इसको ही काट कर देखिए, पहले इस सब तरीके से इसको अच्छे से काट लूँगी। और इसमें थोड़ा सा आटा था जिसको मैंने मतलब डाल दिया है गाय के लिए, और बस अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब आपको कुछ नहीं करना, फटाफट से हो जाता है। बस यहाँ पर दो ऐसे होल करने, किसी भी चीज़ से आप इसमें होल कर सकते हैं। और बस उसके बाद आपको एक धागा लेना है, धागा, रिबन, जो भी कुछ आपके घर में हो आप वो ले लीजिए, ऊन ले लीजिए, उनको दो बार इस तरीके से, दो बार करके जो करता है ना, तो वैसे यूज़ कर लीजिए। और देखिए, मैंने इस तरीके से दोनों होल में अपने, जो मेरे पास पतली सी रिबन पड़ी थी उसको डाला और पीछे से दो तीन नॉट लगा दी उसमें अच्छे से, जिससे कि वो बाहर की तरफ ना निकले। तो बस इस तरीके से आपको कर लेना है, फटाफट से एक पन्नी लेनी है और इस तरीके से धागा लगाकर, और इस तरीके से दोनों तरफ से, मतलब गांठ लगा दीजिए उसमें। गांठ आप किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, और बस इस तरीके से, जिससे कि आप इसको अब खींचेंगे तो ये खींचेगा नहीं। तो ऐसे ही मैं सेम अपनी दूसरी वाली साइड पर भी कर दूँगी, और ये बहुत ही क्रिएशन अच्छे से बनकर तैयार हो जाती है। एक मतलब एप्रन तरीके का बनकर तैयार हो जाएगा हमारे पास ये, जो कि हम फटाफट से इसको वेयर कर पाएंगे। और देखिए, ऐसे ही हम यहाँ पर भी दो होल कर लेंगे, उनमें भी रिबन डालकर, हम सिंपल सा रिबन डालकर बांधकर तैयार कर लेंगे। तो हमारे पास ये एक एप्रन बनकर देखिए तैयार हो गया है। तो जब भी आप बर्तन धोएं, तो बस फटाफट से आप इसको इस तरीके से डालिए, और इसको भी आप इस तरीके से, जो हमारे साइड वाले हैं लेफ़्ट राइट, इनको भी आप अपने पीछे बांध लीजिए, जैसे कि हम अपने एप्रन वगैरह में बांधते हैं। तो बस देखिए, हमारे पास फटाफट से एक एप्रन बनकर तैयार हो गया है। तो बस अब आप बर्तन धोइए, कुछ भी धोइए, या अपने, मतलब गैस के आगे जब काम करते हैं तो थोड़ा बहुत दाग वगैरह लग जाते हैं, तो आप उसमें भी यूज कर सकते हैं। जब कभी आप नए कपड़े पहनकर आपको अचानक से किचन में कुछ बनाने आना पड़ता है, तो लगता है अरे कपड़े गंदे ना हो जाएँ और एप्रन भी नहीं है, तो आप इस तरीके से अपनी पॉली वगैरह को, कुछ किसी भी चीज़ का यूज़ करके कुछ ऐसा बनाकर आप पहन सकते हैं। तो ये बहुत ही इंस्टेंट आइडिया है। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा हो और थोड़ा बहुत भी आप लोगों के लिए यूज़फुल हो, तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हैक की तरफ बात करते हैं। तो नेक्स्ट हैक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब कभी भी हम अपने गैस के ऊपर, ज़्यादातर लोगों के गैस के ऊपर सेल्फ ही होती है, और ये सेल्फ जिससे, मतलब इस गर्मी वगैरह ना हो, इस सेल्फ़ पे ही हम जो चिमनी वगैरह लगाते हैं। लेकिन अब हमारा इतना बजट नहीं होता है कि हम चिमनी वगैरह लगा सकें। और देखिए, ये भी मेरी सेल्फ जो, मतलब गैस के ऊपर है, वो उसमें देखिए कितने गंदे गंदे से ये दाग पड़ गए हैं ऑयल के, स्टीम के, जो कि ये बिल्कुल भी जा नहीं रहे हैं। मैंने इनको अच्छे से वॉश भी किया था, लेकिन इन पर देखिए चिपचिपा सा एक वो हो जाता है ना, और ये मैंने अच्छे से वॉश भी किया रगड़ कर, लेकिन ये बिल्कुल भी दाग गए नहीं। तो ये और भी ज़्यादा ख़राब ना हो पाए, इसके लिए मैंने एक सॉल्यूशन निकाला। तो देखिए, उसके लिए आपको क्या करना है, एक अपने आटे के पैकेट को लेना है और इस तरीके से जो हमारी सेल्फ है उसके नीचे इस तरीके से लगा देना है, और बस इसको आप अच्छे से लगा दीजिए। और उसको लगाने के बाद आप देखेंगे कि इस पर आपका कोई भी दाग वगैरह लगेगा तो वो ईजिली निकल भी सकता है। और इसको लगाने के लिए आप ये छोटी वाली क्लिप्स आती है ना, इनका यूज़ कीजिए, क्योंकि ये ईज़िली चली भी जाती हैं। और अगर आप टेप वगैरह यूज़ करेंगे तो वो निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा ऑयल वॉयल जाता है तो काफ़ी चिकना हो जाता है, तो टेप वहाँ काम नहीं करेगा। तो देखिए, मैंने इस तरीके से एकदम प्लेन करके अपने यहाँ पर लगा दी है, और अब जब भी कोई स्टीम वगैरह जाएगी तो मैं इसको ईज़िली साफ़ कर पाऊँगी और हमारी सेल्फ भी गंदी होने से बच जाएगी।
तो गाइस अब हमारा नेक्स्ट है क्या, कुछ इस तरीके के हम डोरमेट्स वगैरह घर पर बना लेते हैं, जैसे कि मैंने ये अपने पुराने कारपेट से ही बना लिया है इस तरीके से। तो ये काफ़ी अच्छा है, वार्म अप वाला है और मतलब अच्छा खासा है, बन गया है। खैर पैर पोंछने के लिए चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि जब भी मैं पोंछा वगैरह लगाती हूँ, थोड़ा गीला पोंछा होता है या धोती हूँ तो इसको डाल देती हूँ, तो ये खुद ही बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है। तो इस सिचुएशन से निपटने के लिए मैंने अगेन एक पैकेट आटे का लिया, और चूँकि इसकी पन्नी थोड़ी थिक होती है इसलिए, और यहाँ पर पूरी आ नहीं रही थी इसलिए मैंने इसको डबल करके यहाँ पर इस तरीके से मैं जॉइंट कर दूँगी और चारों तरफ इसको अटैच कर दूँगी सिलाई करके अच्छे से। तो ये अब हमारा एक वैसा बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप लोग भी अगर इस तरीके से मार्केट से लाते हैं, मार्केट में भी कुछ कपड़े वाले आते हैं जिनके पीछे कोई ऐसी ऑर्नामेंट्स नहीं लगा होता है जो कि गीले वगैरह हो जाते हैं, तो आप ऐसा कुछ कर सकते हैं पन्नी लगाकर, जिससे कि मतलब उसको गीला होने से बचा सकते हैं। तो नेक्स्ट है क्या मेरा, कुछ इस तरीके की मैंने पॉलीथीन ली है। अगेन मैं कहूँगी कि मैंने आटे का पैकेट का यूज़ कर रही हूँ, आप किसी के भी पैकेट का यूज़ कर लीजिए, बस उसका जो पॉली होता है वो थोड़ा थिक होना चाहिए। और देखिए इस तरीके से हम उसको फोल्ड करेंगे, ट्रायंगल मतलब त्रिकोण जैसा कोन जो बनाते हैं वैसा करेंगे, और यहाँ पर आप टेप वगैरह अच्छे से लगा दीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, वरना मैं तो ऐसे ही बना लेती हूँ इसमें और बिना टेपिंग वगैरह किए हुए। और देखिए इस तरीके से आपको इसमें होल भी दिख रहा होगा अच्छा खासा, तो देखिए। और ये होल आपको कितना बड़ा रखना है, कितना छोटा रखना है, ये पूरी तरीके से आप पर डिपेंड करता है। और बस इस तरीके से आप इसके अंदर कोई भी डो वगैरह डालेंगे, फिर आपको बस एक दोनों साइड से इस तरीके से मोड़ना है, और आप इस तरीके से पकड़कर कोई भी चीज़ इससे बना सकते हैं, जैसे चावल के कुरकुरे हैं, आलू की कचड़ी वगैरह कुछ भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक ट्रेलर देती हूँ, बनाकर दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो मैंने ट्रांसपेरेंट ली है, जिससे कि आपको दिखा सकूँ कि किस तरीके से इससे, और इसका फुल ट्यूटोरियल वीडियो मैं शेयर कर चुकी हूँ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा।